जब भी विशाखापट्टनम के मैदान की बात होती है तो सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का ही आता है। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को आज भी लोग याद करते हैं। धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की पारी खेली थी और पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा था। ऐसा ही कुछ कल फिर से विशाखापट्टनम के मैदान पर देखने को मिला। आपको बता दें, चेन्नई के सामने 192 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। चेन्नई के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहां से चेन्नई की जीत की उम्मीद ना के बराबर मानी जा रही थी। मैच पूरी तरह से बोर माना जा रहा था। ऐसे में शिवम दुबे लॉन्ग ऑफ पर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन ये कैच एकदम से एक बोरिंग मैच में उत्साह का संचार कर देता है, जैसा कि कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस विकेट के गिरने के बाद मैदान पर एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी यानी माही यानी थाला। फैंस न जाने इस खिलाड़ी को किस किस नाम से जानते हैं। खैर, ये तो रही नाम की बात। 2005 में जो खिलाड़ी अपने लंबे लंबे बालों और लंबे लंबे छक्कों के लिए जाना जाता था, आज वो फिर से उसी लुक में मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुका था। सामने गेंदबाज थे मुकेश कुमार। उन्होंने माही को पहली शॉर्ट पिच डाली और बल्ले से आवाज आई टक, और पूरा स्टेडियम झूमने लगा। धोनी ने पहली ही बॉल बाउंड्री के बाहर फेंक दी और दूसरी गेंद पर तो ऐसा लगा कि किस्मत ने भी उनका पूरा साथ दिया। जब खलील अहमद ने उनका कैच छोड़ दिया, शायद वो भी चाहते थे कि माही की बैटिंग देखें। इसके बाद तो धोनी हर दूसरी तीसरी बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकने लगे। चेन्नई को आखिरी ओवर में असंभव 42 रन की दरकार दी थी, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के सहित 20 रन बटोरे। धोनी की अगर पारी की बात करें तो 16 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। अब धोनी की पारी देखने के बाद सभी कह रहे हैं कि जब धोनी इतनी शानदार पारी खेल सकते हैं तो फिर उन्होंने ऊपर आकर बैटिंग क्यों नहीं की। अगर धोनी ऊपर आते तो शायद चेन्नई को मैच जिता भी देते। लोगों की बात सही भी है जहां तक। भले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास इतना अनुभव हो और इतनी ताकत से वर्ल्ड के लिए टॉप क्लास गेंदबाजों को हिट करने की क्षमता रखता हो, लेकिन असल में बात यह है कि धोनी इम्पैक्टर प्लेयर नियम की वजह से नीचे आते हैं, बल्कि अभी भी उनके पैरों में दिक्कत देखी गई। मैच के बाद धोनी को अपने काफ में आइस पैक लगाते हुए देखा गया, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा मायूस हो गए। आपको धोनी की ये बात तो याद ही होगी कि जब उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ अपने फैंस के लिए खेलेंगे अब से। 2019 वर्ल्ड कप में संन्यास के बाद धोनी सिर्फ आईपीएल हमेशा अपने फैंस के लिए खेलते हैं, और हर बार उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या ये उनका आखिरी साल है। लेकिन धोनी पिछले 5 सालों से ये गेम लगातार खेल रहे हैं। धोनी जब खेलते हैं तो फैंस की सांसें थम जाती हैं, लेकिन वो भी एक इंसान हैं और ऐसे में उनकी उम्र भी 42 हो चुकी है, जो अब कभी कभार उन पर हावी होते हुए दिखती है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रदर्शन पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। यहाँ तक कि इनकी फिटनेस को देखते हुए फैंस धोनी की T20 वर्ल्ड कप में खेलने की भी मांग कर रहे हैं। तो अब आप हमें बताइए कि क्या T20 वर्ल्ड कप में धोनी रिटायरमेंट से वापसी करते हुए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए क्रिकेट केसरी।